13 अप्रैल 1699 के दिन सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके साथ ही इस दिन को वैसाखी के रूप में मनाया जाता है। जटाशंकर गुरुद्वारे पर मंगलवार को गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में भी वैसाखी मनाई गई। सुबह से ही सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारा में पहुंचकर मत्था टेक कर शब्द कीर्तन सुनते रहे। इस दौरान इस बार लंगर को पैक कर प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। दूसरी ओर कोविड के बढ़ते मामले को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भक्त नजर आए। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू ने बताया। जगनैन सिंह नीटू, सदस्य पंजाबी अकैडमी, उत्तर प्रदेश शासन। आज 13 अप्रैल है। आज से पहले सन 1699 में 13 अप्रैल के दिन ही दसम गुरु संत सिपाही श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने सिख पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये खालसा पंथ का स्थापना दिवस है आज 13 अप्रैल 1699, और आज हम 13 अप्रैल 2021 को ये मना रहे हैं। खालसा पंथ जो सभी विभिन्न जाति मत पंथ से के भेद से हटकर गुरु गोविंद सिंह ने एक इंसान के रूप में ऐसी संरचना की जो देश और धर्म के लिए सदैव अपनी कुर्बानियों के लिए खड़ा रहेगा। आप सभी जानते भी हैं कि पूरी दुनिया में अगर सिख इतिहास देखा जाए तो उसका एक एक पन्ना हजारों हजारों शहादतों से ही भरा है देश और धर्म के लिए। आज हम खालसा साजना दिवस उर्फ वैसाखी पर्व यहाँ मना रहे हैं, लेकिन इस बार के हर बार के आयोजन में और इस बार के आयोजन में एक बड़ा फर्क है। जैसे पूरा दुनिया इस समय कोरोना से ग्रस्त है, तो इस बार हम लोगों ने जैसे आज के दिन इस स्थान पे 5-10 हज़ार श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, हमने श्रद्धालुओं को आना मना किया। और उसके बाद हम लोगों ने कोविड के लॉकडाउन का, गवर्नमेंट के सारे सजेशन का, पूरा गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग इस बार बैठ के लंगर भी नहीं दे रहे हैं, पैकेट लंगर। आप आइए, गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करिए, एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दीजिए, थोड़ा देर भजन सुनिए, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठिए और उस मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, और नीचे जाके वहाँ से प्रसाद लेके घर का लंच लंगर का प्रसाद पैकेट अपने घर जाइए। तो इस बार हम लोग यहाँ रुकने नहीं दे रहे, इसीलिए माहौल बहुत शांत है। बहुत ही सादगी से इस बार हम लोग इस पर्व को मना रहे हैं। आज खालसा साजना दिवस के साथ साथ तीन और बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आज सनातन परंपरा में चैत्र रामनवमी का शुभारंभ हुआ, कल से पाक माह रमजान की भी शुरुआत हो जाएगी, सिंधी समाज का चैत्री चंड महोत्सव भी आज से शुरुआत, एक साथ चार शुभ हैं। तो मैं इस शुभ और बड़ा मुहूर्त है कि एक साथ चार फंक्शन त्यौहार एक ही दिन शुरू हो रहे हैं, तो मैं आज के दिन सभी उस महान परम पिता परमेश्वर, एक पिता है
वही राम है, वही अल्लाह है, वो नानक है, वही जीसस है, एक परमात्मा। उसके आगे हम सब यही अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर अपनी मानव जाति को सुरक्षित रख, कोरोना का ये कहर ख़त्म करा, इंसानियत बचे, दुनिया आपकी सुरक्षित रहे। आज के दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करते हुए सर्व समाज को वैसाखी पर्व के साथ साथ चैत्र रामनवमी, माह पाक माह रमजान और चैत्री चंद महोत्सव, सभी धर्मों को लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हुए हम सब इसी तरह हंसी खुशी और सौहार्द के माहौल में रहकर अपने त्यौहार मनाएंगे और एक अपने भारत को सशक्त, मजबूत और अखंड भारत, अखंड राष्ट्र बनाने में अपना महती सहयोग देंगे।